हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम, पाचन शक्ति में दिक्कत क्यों होता है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसमें कोई फिक्स फार्मूला काम नहीं करता है दोस्तों, पाचन शक्ति की गड़बड़ी में। अगर आपको पाचन शक्ति में गड़बड़ी है, पेट खराब है, तो आप क्या करें, इसके लिए आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो मेरा चैनल डॉक्टर रजनीश होम्योपैथी, इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। मेरा वीडियो आप गौर से देखें। जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, खाना तो खाते हैं और पचने में दिक्कत है, वो मेरा ये वीडियो देखें और डाइजेशन प्रॉब्लम से आप मुक्ति पाएँ। जो खाना नहीं खाते हैं और खाना नहीं पच रहा है, उस चीज़ से छुटकारा पाएँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फास्टली तो आप मॉर्निंग में उठ जाग जाएं। जागने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में जाग जाएं थोड़ा सा, उसके बाद पानी पी लें, अपने निवृत्त काम से हो करके उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएं। उसके बाद आप सुबह सुबह ज़्यादा लेट से ना खाएं, 8 बजे नाश्ता कर लें, दोपहर में भी कुछ खाएं, शाम को भी कुछ खाएं। अब बात यह है कि ठीक है, हम ये सब करते हैं फिर भी मेरा पेट खराब होता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर पेट खराब होता है तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर से बेटर मेडिसिन आता है। ज़्यादा भागने और दौड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं दोस्तों। इतना काम अगर करते हैं, आप सुबह उठते हैं और सुबह में नाश्ता भी कर लेते हैं, टाइमली खाना भी खा रहे हैं, कोई दारू सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ आप नहीं सेवन करते हैं, फिर भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ नहीं, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है एक दो, उसे आप कुछ देर खा लें, आपको पेट का जो प्रॉब्लम है, डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, वो 100% आपको ठीक हो जाएगी। उसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन आता है, उस मेडिसिन का नाम है ब्रानिया। आप 200 पावर में ले लें, सुबह शाम 4 बूंद खा लें। उसके साथ एक मेडिसिन और जोड़ लें, उस मेडिसिन का नाम है चिलिडोनियम, उसे आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम खा लें। एक मेडिसिन और है दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है नक्सोन, उसे रात को सोते समय 4 बूंद खा लें। ये 3 मेडिसिन कुछ दिन तक सेवन करें, साथ में दारू ये सब चीज़ आप ना लें, एल्कोहल ना लें। इतने चीज़ का अगर सेवन करते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं, टाइमली जाग जाते हैं और खाना भी आप कस के खाएं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम पचने का। ये लोग बोलते हैं कि पचने का डाइजेशन बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप खुद जा जाते हैं और थोड़ा सा दवाई आपको काम, थोड़ा सा आप जाग जाते हैं वो काम करेगी और दवाई काम करते हैं, आप 100% स्वस्थ हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो बस ये काम करें, अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी डाइजेशन बढ़िया से नहीं हो पाता है तो ये मेडिसिन ले लें और खा लें। अगर इस पर कुछ संदेह हो तो आप नज़दीक के फिजिशियन से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको हम दे देंगे। कोई दिक्कत है तो उस पर आप क्वेश्चन करके हमसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कोई रोग हो जाने के बाद डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, उसे तो सिम्टम देख करके होम्योपैथिक में इलाज करते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, उसे नहीं होता है। थोड़ा सा आपको जागना होगा दोस्तों और थोड़ी सी मेडिसिन खानी होगी, तो आपको हॉस्पिटल का चक्कर, डॉक्टर वगैरह का चक्कर नहीं लगाना होगा। टाइम से जागें, टाइम से खाना खाएं, फिर भी ना ठीक होता है तो 3 बजे मेडिसिन बता दी उसे खा लें, कुछ ही दिनों में आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगी दोस्तों। और जो मन में सवाल रहे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, दवाई अगर खाने का नाम मन में कुछ संशय है वो भी आप पूछ सकते हैं, दवा खाएं कि नहीं खाएं। यहाँ से नहीं बना तो आप नज़दीक के फिजिशियन से जाकर के पूछ के संपर्क कर खा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।